हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू राजेश एंड किड्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यदि आपको कम्युनिटी टैब का ऑप्शन आपके चैनल पर मिल गया तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि हम आज इस वीडियो में कम्युनिटी टैब से रिलेटेड तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले फ्रेंड, जिसका यूज करके आप अपने चैनल को एक परफेक्ट तरीके से चला सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। तो नंबर वन दोस्तों, कम्युनिटी टैब का उपयोग करके दोस्तों आप अपने पब्लिक के माइंड को पढ़ सकते हैं, जो कि आपका सब्सक्राइबर है उनके माइंड को आप पढ़ सकते हैं। एग्जांपल के लिए फ्रेंड, आप जैसे कि कम्युनिटी टैब में आपको एक पोल का ऑप्शन मिलता है, तो उस ऑप्शन में जाकर दोस्तों आप जो ऑडियंस है आपके उसके माइंड को पढ़ने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको वहां पर एक पोस्ट करना होगा। पोस्ट क्या दोस्तों, जैसे कि ये पूछ सकते हो कि आपने अपना YouTube चैनल कब बनाया, तो वहां पर वोट आएंगे फ्रेंड और वोट देंगे कि मैंने 2021 में बनाया, 2020 में बनाया, 2019 में। आपको चार ऑप्शन इस तरह से दे देना है, तो वहां पर जिसका वोट ज्यादा आता है फ्रेंड, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको जो है 2021 में यदि कोई चैनल बनाया तो क्या क्या वो जानता होगा, 2019 में बनाया तो क्या क्या जानता है। इस तरह से आपको बहुत सारे दिमाग में आइडियाज आ जाएंगे, जिससे कि आप अपने चैनल को एक परफेक्ट तरीके से चला सकते हैं। नंबर टू की बात करें फ्रेंड, तो वहां पर आप जो है पब्लिक से मतलब कि वीडियो का भी आइडिया ले सकते हो, तो दोस्तों उसी का यूज करके तो अपने पब्लिक से वीडियो का आइडियाज ले सकते हो कि आपको क्या क्या वीडियो डालना है चैनल पर, जिससे कि आपको अधिक ज्यादा बहुत ज्यादा व्यूज मिल सके। तो दोस्तों वहां पर आपको क्या करना है कि कम्युनिटी टैब में वहां पर ऑप्शन जो मिलता है पोल का, जो उसी का यूज करके दोस्तों आप वीडियोज का भी आइडिया ले सकते हो। वहां पर आप पोस्ट कर दोगे कि आपको कौन सी वीडियो देखना ज्यादा पसंद है, तो वहां पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अदर सोशल मीडिया, इस प्रकार के करके कुछ चार वो ऑप्शन दे दोगे फ्रेंड, और जिसका वोट ज्यादा आएगा तो उसी से रिलेटेड आपको वीडियो बनाना है। जैसे कि यूट्यूब का वोट ज्यादा आया तो यूट्यूब से रिलेटेड ही आपको वीडियो बनाना। तो इस तरह से करके दोस्तों आप जो चैनल है उसे परफेक्ट तरीके से परफेक्ट कंडीशन में हैंडल कर सकते हो, जो आपको ऑडियंस चाहते हैं उससे वीडियो भी आप दे सकते हो। तीसरा सबसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा है फ्रेंड, ये कि आप जो है उस कम्युनिटी टैब का यूज करके वहां पर एक परफेक्ट तरीके से अपने वीडियो को, जो पुराना वीडियो हो चुका है जिस पर व्यूज कम आए थे लेकिन अब आपका सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हो गया, तो उस पर भी वीडियो को पर व्यूज ले सकते हो। तो दोस्तों वहां सिंपली करना क्या है, उस वीडियो का लिंक कॉपी करना है और लिंक कॉपी करने के बाद दोस्तों उस वीडियो को कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने से क्या होगा फ्रेंड कि वहां पर जो वीडियो है वो जैसा एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है इस तरह से, जैसे फेसबुक पर पोस्ट करते हो वहां उस तरह से होगा। और क्या है बेनिफिट दोस्तों, यह कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर है वहां सभी के पास ये कम्युनिटी टैब का जो है जाएगा वीडियो, जिससे कि दोस्तों मान के चले उस टाइम आपके 1000 सब्सक्राइबर थे, आज आपके 10000 सब्सक्राइबर हो गए। तो कम्युनिटी टैब में यदि आप ओल्ड वीडियो को पेस्ट करोगे लिंक का, तो उस पर व्यूज जो है फ्रेंड फिर से आने शुरू हो जाएंगे, जिससे दोस्तों आपके जो चैनल को एक व्यू बूस्टअप मिलेगा और आपका चैनल जो है ग्रो भी हो सकता है फास्टली फ्रेंड। तो इस तरह से करके कम्युनिटी टैब के जो फायदे आप ले सकते हो। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कम्युनिटी टैब का भी यूज करके आप अपने चैनल को एक परफेक्ट तरीके से चला सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ फ्रेंड, अदर सोशल मीडिया की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चाहे फ्रेंड तो आप हमें अदर सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।